Today's topic is status of woman as a wife. इस चीज को सबसे पहले हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये चार स्टेटस होते हैं इस फीमेल के एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर एंड एज अ सिस्टर, तो इन चार स्टेटस में जो बेहतरीन और जो इम्पोर्टेंट स्टेटस है वो है स्टेटस ऑफ वाइफ. वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन एज अ वाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट तो बिकॉज विदाउट वाइफ वी कैन नॉट हैव मदर and we cannot have sister nor we can have daughter also. तो इसलिए जो ये wife का status है बहुत ही important है, बहुत ही ज़रूरी है. अगर माँ का status बहुत ही कीमती status है और वो बहुत ही मुतबरक status लगता है, लेकिन फिर भी इन चार status में जो important status है that is status of wife, status of woman as a wife very important. Marries, she attains status of a wife in Islam. Therefore, it is nikah, marriage, in Islam that gives this significant position to a woman. In Islam, mein ek aurat ko status of wife milta hai, jab wo ek sort of ek bandhan jo hota hai, which is called in Islam a nikah. To jab wo nikah karti hai, तो उसके बाद जो है वो उसको स्टेटस मिलता है वाइफ का. और ये स्टेटस अटेन करने के लिए निकाह बहुत ही ज़रूरी है. और इस दिस नीड्स टू थिंग्स, वन इज़ महर एंड सेकंड इज़ वलीमा. महर और वलीमा दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस निकाह के लिए. और फिर हम कह सकते हैं कि एक औरत को वाइफ बनने के लिए जो है उसको जो शादी में वो शादी करनी पड़ती है, तो उसके बाद जो उसमें जो दो चीज़ें मुहिम हैं, वन इज़ कॉल्ड महर एंड सेकंड इज़ कॉल्ड वलीमा. महर इज़ ऑब्लिगेशन इवन इफ इट इज़ एन आयरन रिंग, एंड वलीमा इज़ सुन्नाह एंड इट कुड बी इवन अ गोट और लेस देन दैट. तो जो महर है कम से कम आपको ये आयरन रिंग भी, मतलब यानी कम से कम भी अगर महर हो तो, लेकिन आपको महर तो देना ही आपको है. और जो इसके बाद जो है एक लड़का जो होता है उस पर ये ज़रूरी है कि वो वलीमा जो, क्योंकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दावत उसको देनी होगी, तो वो भी उसको देनी है. अगर अगरचि वो कम ही होगी तो उसे वो दावत देनी होगी उस चीज़ के लिए. तो रब्बुल आलमीन इस शादी के लिए, इस निकाह के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें है निकाह में. तो रब कुरान करीम में बहुत जगहों पर फरमाते हैं, एक जगह फरमाते हैं सूरह रूम में चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 21, वमिन आयति अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन फी ज़ालिका लआयति लिक़ौमिन यतफक्करून. Another of his signs is that he created for you from among yourselves spouses, so that you might find repose in them. And he created between you affection and kindness. Truly, there are signs in this for people who reflect. तो रब्बुल आलमीन जो है ये इसे एक निकाह जो हम करते हैं इसको कहते हैं कि ये एक साइन है, साइन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. इसमें साइन इसमें है कि रब ने जो ये औरत जो इसको पैदा किया है, ये एक पार्ट ऑफ दिस मैन है, मर्द से ही ये तो पैदा की गई है. हजरत हवा जब पैदा हुई है उनको पैदा किया गया है हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से ही. तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें देखना है कि सी द स्टेटस ऑफ ए वुमन एज अ वाइफ, इसकी कितनी कदर हमें करनी होगी. कोई ये गैर चीज़ नहीं है, दिस इज़ आवर ओन पार्ट, ये हमारा ही एक अपना हिस्सा है.
और रब फरमाते हैं कि मैंने जो आपके लिए ये जोड़ा तैयार किया है, सो दैट यू विल गेट व्हाट यू विल गेट अ रिपोज दिस इन इट, तो आप इसमें इससे एक सुकून हासिल करें, लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दत व रहमा, एंड इट इज ऑलमाइटी अल्लाह हु एक्चुअली क्रिएट्स अफेक्शन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस। तो यानी वो जो वाइफ आपको होती है, तो देखिए क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है इस फीमेल की, कोई इसको तजलील करने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये शायद कोई कोई ऐसी जात है, कोई कमतर वाली जात है जिसे हमको दुनिया में जलील खार करना होगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये जो फीमेल है ये हमारा अपना हिस्सा है, तो इसका जो है इसकी कदर करनी होगी। तो इसी तरह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं और एक जगह पर, वअन्किहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युग्नीहिमुल्लाह मिन फजलिह वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैरी दोज अमंग यू हु आर सिंगल एंड दोज ऑफ योर मेल एंड फीमेल स्लेव्स हु आर फिट फॉर मैरिज, इफ दे आर पुअर Almighty Allah will provide for them from His bounty. For God's bounty is infinite and He is all-knowing. It's mentioned in Surah An-Nur, chapter number 24, verse number 32. यानी रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आप शादी करो उनकी जो एक एक ही होंगे, और जो भी मर्द और औरत जो आपके पास है, चाहे वो आपके गुलाम है या चाहे आपके घर में किसी भी तरीके से वो जो है आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी शादियां करो। और अगरच वो गरीब होंगे, इन यकूनु फुकरा युग्नीहिमुल्लाह मिन फजलिही, अगर वो गरीब होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको क्या करेगा, मालदार बनाएगा। तो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर इन दिस कुरानिक वर्स इज दैट के हमें तो औरत से क्या हो जाता है, इससे हमारी दौलत बन जाती है, हम अमीर हो जाते हैं, हमारा रिज़िक मिलता है इससे। सी द स्टैट्स ऑफ ए फीमेल ऑफ ए वुमन एज अ वाइफ इज, इससे बढ़कर क्या स्टैट्स होना चाहिए, यानी हमें कितनी कदर करनी चाहिए इस औरत की। तो जब इसके साथ निकाह किया जाता है, तो उसके बाद अल्लाह ताला अपने फजल से, अल्लाह ताला अपने कर्म से हमें मालदार बनाता है। तो सी द पोजिशन, सी द वैल्यू ऑफ अ फीमेल इन इस्लाम। तो और भी बहुत सारे वर्सेस है, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और भी बहुत सारे फरमान फरमाए हैं जिनसे इन कुरानिक वर्स ये कुरानिक वर्स जो है इनकी तस्दीक होती है कि कितना मुहिम है, कितना वो स्टेटस है, हाउ मच हाई द स्टेटस ऑफ अ फीमेल इन इस्लाम इज एज अ दिस वाइफ। अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, मैरिज इज माई ट्रेडिशन, हूसोएवर कीप्स अवे देयर फ्रॉम इज नॉट फ्रॉम अमंगस्ट मी, डू मैरिज आई विल प्राउड ऑन योर नंबर अपॉन अदर नेशंस ऑन द हेयर आफ्टर डे। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो है ये मेरा सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए हैं, और जो इस निकाह से मुंह मोड़ेगा, जो निकाह नहीं करेगा, वो नबी फरमाते हैं कि वो हम में से है ही नहीं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी वाइफ बनाना जो है ये आपको जरूरी जरूरी करना ही पड़ेगा इस दुनिया में, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है उसके उस सर्कल से बाहर आ जाते हैं। तो क्योंकि ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने फरमाया है कि आप मैरिज करो ताकि मैं फख्र करूं, कयामत के दिन में फख्र करो अपनी उम्मत पर। यानी क्योंकि मैरिज से ही आप दुनिया में जो है दुनिया की जो नस्ल है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें ये चीज जो है यानी इस चीज को जिस पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर फख्र करेंगे, सी द स्टेटस इनमें जो निबसम उनका वहां पर फक्र करना उसमें इन्वॉल्व है, एक ये औरत एज अ वाइफ इसमें इन्वॉल्व है। तो कितनी अहमियत है इस औरत की जो दीन इस्लाम में, और क्या पोजिशन ये दीन इस्लाम देता है इस औरत को। और एक फरमान है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड,
When a bondsman does nikah, his half deen fulfills. And in another half, one should fear Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Farmate hai Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ki ye shadi jo aap kar rahe hai, ye hai aapka aada iman. Yani you are going to fulfill your iman by what? By this marriage. Jo aap shadi kar rahe ho to aap aada ईमान मुकम्मल करते हो और आधे ईमान के लिए नबी करीम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से आप डरते रहे, यानी आप बाकी चीजों को अल्लाह ताला से डरते रहे और बाकी चीज जितने सारे इसमें है, लेकिन आपका आधा हाफ ऑफ योर दिस ईमान जो हो जाता है कंप्लीट किससे? शादी करने से. तो क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है ऑफ अ वुमन एज अ वाइफ? और एक हदीस है नबी करीम की जिन्होंने फरमाया है, द प्रोफेट said, men choose women for four reasons: for their money, for their ranks, for their beauty, and for their religion. But marry one who is religious and you will succeed. ये भी यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक इंसान औरत को पसंद करता है चार चीजों के लिए. चार चीजों के लिए वो पसंद करता है, for their money, यानी कोई अमीर होगी पैसों की वजह से, फॉर देयर रैंक्स, या कोई कहती है कि कोई हसब नसब की सबसे बड़ी है, फॉर देयर ब्यूटी या उनकी खूबसूरती के लिए है, एंड फॉर देयर रिलीजन, और कोई शादी करता है मजहब देखकर कि उसकी लड़की जो है उसमें वो मजहबी होनी चाहिए, वो दीनदार होनी चाहिए. तो लेकिन निब्स ने फरमाया कि आप में से कामयाब वो है जो किसको पसंद करे, एक मजहब वाली लड़की को, एक दीनदार वाली लड़की को. तो ये भी यहाँ पर अब देखना होगा हमें कि औरत का मुकाम बहुत ही हाई है दीन इस्लाम में, और अगर एक औरत दीन की हिफाजत करे, दीन के साथ वो जुड़ी रहे, तो उसे तो बहुत ही वकार मिलता है और उसे एक हाई स्टेटस एंड हाई पोजीशन दीन इस्लाम देता है उस चीज से. तो इसके बाद जो है नबी सल्लम की और एक हादिस है, उन्होंने फरमाया कि द वर्जिन शल नॉट बी मैरिड अंटिल हर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड. यानी एक औरत जो होती है, यानी उसको उसकी शादी तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो इजाजत ना ले, जो उसका वो उसे कंसेंट लेनी होगी, यानी क्या कहते हैं उसको कि उससे पूछना होता है हमें कि आपकी शादी की जाएगी इससे कि नहीं की जाएगी. अरे सी, कोई इसमें वो जोर जबरदस्त नहीं है, कोई 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 वो किसी तरीके से हम इस औरत पे कोई ऐसा जुल्म नहीं इस्लाम करता है कि उसको बंद पिंजरे में रखा जाए, और जैसे कि आम एलिगेशन दी जाती है दुनिया में कि मुसलमान जो है वो औरतों को कैद खान में रखते हैं. नो, दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ एन एब्सर्ट वन ऑफ सेइंग्स जो दुनिया में इस टाइम मौजूद है, क्योंकि ये अहदीस इस चीज की दलील देता है. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द वर्जिन शल नॉट बी मैरिड अंटिल हर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड. एक लड़की जो होगी, जो लड़की जो है वर्जिन, यानी अभी उसकी शादी नहीं हुई होगी, तो उससे कंसेंट जरूरी पूछनी होती है कि बेटी आपकी हम शादी कर रहे हैं, आर यू रेडी, हम आपकी शादी के लिए जा रहे हैं, या आपको शादी किससे करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप में, कोई मुश्किल तो नहीं लगता है आपको. यानी ये स्टेटस, वेल इस्लाम गिव्स दिस स्टेटस ऑफ वाइफ टू फीमेल टू वुमेन, तो उसमें भी कोई ऐसे इस तरीके से नहीं पकड़ना है इसे कि जैसे कि लगे कि इस पर जुल्म हो रहा है. तो इस तरीके से जो दीन इस्लाम जो है ये स्टेटस एक औरत को देता है. और एक अहादीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला डिक्लेयर्ड, ओ यू यंग मैन, या माशर शबाब, हूएवर इज एबल टू मैरी शुड मैरी, फॉर दैट विल हेल्प हिम टू लवर हिज गेज एंड गॉड हिज मोडेस्टी. ओहो सुबहानल्लाह, क्या स्टेटस देता है रब्बुल आलमीन एक फीमेल का इसमें एज ए वाइफ. फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ए नौजवानों,
आप शादी करो, जिसको इस्तात है, जिसको ताकत है शादी करने की, वो शादी करे, क्योंकि शादी से जो क्या हो सकता है, वो अपनी नजरों को बचा सकता है और वो अपना जो उसको हया है उसको भी वो बहाल रख सकता है, वो भी हयाई से बच सकता है। तो सी द स्टैट्स ऑफ अ वुमेन एज अ वाइफ क्या है, इससे हम बचते हैं, इससे हम अपनी मॉडेस्टी को कायम रख सकते हैं। तो क्या स्टेटस है। और भी बहुत सारे अहादीस है दीन इस्लाम में, नबी ने फरमाया है द बेस्ट ऑफ यू इज द बेस्ट टू हिज फैमिली एंड आई एम द बेस्ट अमंग यू टू माई फैमिली। आप में से सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो अपनी फैमिली के साथ बड़े हुस्न सलूक के साथ रहता होगा, और मैं आप में से, नबी फरमाते हैं मैं आप में से बेहतर हूं अपनी फैमिली के साथ। तो हमसे भी ये सिखाया गया है कि अपने फैमिली से, खासकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आप बड़े खुशखुशाल के साथ हमें रहना होगा। तो नाउ इट इज क्लियर दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन एज वाइफ इज एक्सट्रीमली हाई। इट इज दिस स्टेटस दैट गिव्स बर्थ टू अदर रिलेशनशिप्स इन दिस वर्ल्ड। सेक्चुअल सेटिस्फिकेशन इज नॉट ओनली द एम ऑफ निकाह, बट टू प्रोड्यूस ए गुड एंड पायस फैमिली इज ऑल्सो द एम, रादर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव। यानी जो है ये फीमेल के साथ जो अभी शादी हम करते हैं, इसको जब ये स्टेटस मिलता है एज अ वाइफ, इसमें हमें ये याद रखना होगा कि ये एक हाई स्टेटस है दीन इस्लाम में, और इसी से बाकी रिलेशनशिप दुनिया में पैदा होती है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी, कि ये एक रिलेशनशिप दुनिया में है जिस पे तमाम और बाकी रिलेशनशिप डिपेंडेंट है। विदाउट दिस रिलेशनशिप वी कैन नॉट गेट दिस मदर, वी कैन नॉट गेट डॉटर एंड अ सिस्टर। यही एक जरिया है जिससे सारी चीज हमें मिल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट द मोस्ट हाई स्टेटस ऑफ अ मेल इज वाइफ। हालांकि मदर का स्टेटस तो बहुत ही अजीम तरीन स्टेटस है, लेकिन उसका स्टेटस बरकरार रखने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस ऑफ अ फीमेल, ऑफ अ वुमन इन 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 इस्लाम इज दैट इज वाइफ, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप यू विल गेट योर मदर, यू विल गेट योर दिस सिस्टर एंड यू विल गेट योर डॉटर। विदाउट दिस रिलेशनशिप आप तो हासिल ही नहीं कर सकते हैं दुनिया में जितने सारे पोजिशन इस औरत को मिलते हैं। तो इस ये जो है, ये वाइफ बनना जो है, वाइफ स्टेटस जो है, इसका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि क्वेंच यूअर दिस डिजायर्स, आप अपने डिजायर्स को निकालें, इसमें से नहीं, इसमें से इसका मकसद यही भी है कि आप दुनिया में जो है दुनिया को आगे बढ़ाए, अपनी फैमिली एक पायस फैमिली पैदा करें, और दुनिया में अपना एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन आप करें बड़े अच्छे फैमिली बनाने से। तो वो इसका मेन मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका वो है मकसद है इस शादी का जो मकसद होता है। तो दोज हु फॉलो रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन निकाह विल बी ऑर्डर्ड बाय अल्लाह दैट एंटर द पैराडाइज यू एंड योर स्पाउस डिलाइटफुली। उन्हीं के लिए, इन्हीं लोगों के लिए रब्बुल आलमीन कुरान करीम में ऐलान करता है कि आप और आप अपनी बीवियों समेत जन्नत में दाखिल हो जाए, खुशी खुशी दाखिल हो जाए, क्योंकि आपने दुनिया में इस काम को, इस चीज को उस तरीके से किया जिस तरीके से आपको कुरान करीम हुक्म देता था, जिस तरीके से आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो अब ये जो है स्टेटस ऑफ अ वुमन एज अ वाइफ कितना अजीम तरीन है, तो बहुत ही अजीम तरीन स्टेटस है ये। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें वो ये जो है स्टेटस जो है, ये जो एक औरत के बारे में जो है दीन इस्लाम जो तालीम देता है, उसको समझ दे और समझाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।